Jungle. छब्बीस जनवरी के गणतंत्र दिवस पर रोहित मानव सेवा समिति द्वारा रक्तदान शिविर कैंप हुआ संपन्न, जिसमें 10 डॉक्टरों की टीम द्वारा फ्री ब्लड चेकअप कैंप तथा मुफ्त में दवा वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस ब्लड डोनेशन कैंप में 44 लोगों ने ब्लड डोनेशन किए। इस कार्यक्रम के आयोजक गिरीश भाई, बलवंत भाई तथा भावेश भाई द्वारा पिछले 5 वर्षों से किया जा रहा है। हमारे संवाददाता अमरजीत निषाद की रिपोर्ट, समय नेशनल, सूरत। मेरा नाम अल्पेश कुमार कांतिभाई चौहान है, रहवासी उन रोहितवास। उन रोहित युवक मंडल एवं रोहित युवक मानव सेवा समिति उन आयोजित ब्लड कैंप का आयोजन किया है। उसमें ब्लड डोनेशन कैंप रखा है एवं मेदस्विता निवारण का, फ्री में दवा मुक्ति का, ये सब हम लोग ने आयोजन किया है। ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम अभी भी चालू है। तकरीबन 40 से ज़्यादा लोगों ने अभी तक रक्तदान किया है। इसके आयोजक उन रोहित युवक मंडल एवं उन रोहित मानव सेवा समिति। ब्लड डोनेशन को कहा गया रक्तदान महादान है। रक्त की जरूरत सभी लोगों को होती है। रक्त से हम दूसरे की जान बचा सकते हैं, जरूरतमंदों को रक्त हम पहुंचा सकते हैं। जब भी अचानक कोई आपत्ति आ जाती है तभी रक्त की बहुत सारी जरूरत होती है, हम लोग को पूर्ण नहीं कर सकते है। रक्तदान देने का हेतु ये है कि हम रक्त देने से दूसरे की जान बचा सकते हैं और जो गरीब वर्ग है उसको भी हम लोग उसे फायदा दे सकते हैं। आज गणतंत्र दिवस है, आज ये कार्यक्रम रखा गया है, क्या कहना है? आज 26 रिपब्लिक डे का आयोजन हम लोग ने मैसेज ये देना चाहते हैं कि जैसे बाबा अंबेडकर ने हम लोग का भारतीय बंधारण का संविधान आज के दिन तय किया था, उसको आखिरी रूप दिया था, वो एक देशवासियों को मैसेज दिया था कि सब लोग एक बने, एक होके कार्य करें। हम लोग ने ये दिन इसलिए चुना कि आज एक राष्ट्रीय पर्व है और राष्ट्रीय पर्व के दिन लोगों को एक दूसरे के प्रति, देश के प्रति भावना भी उजागर होती है और यूनिटी बनती है